हेलो नमस्कार दोस्तों, द माइंड पावर कोचिंग में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो इसकी पिछली वाली क्लास में हमने व्यंजन संधि को पढ़ लिया था। पार्ट वन अगर देखेंगे आप लोग तो ये जो आपके व्यंजन संधि का पार्ट टू है, तो कुछ नियम हमने आपके पहले पार्ट में देख लिए, बाकी जो नियम बचे हुए हैं महत्वपूर्ण हैं जो आज इस क्लास में भी देख लेते हैं। तो इसके पिछली वाली क्लास में हमने देखा था आपके ता और दा का नियम। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देखें और आपको वहाँ से बढ़िया ये क्रमबद्ध तरीके से सारी संधि के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ व्यंजन संधि के साथ साथ आपके स्वर संधि की भी क्लासें पढ़ी हैं, तो स्वर संधि भी अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, अगर आप आज तक आप लोग अगर स्वर संधि नहीं सीख पाए तो मैं वादा करता हूँ एक बार ध्यान से और पूर्ण होश आवाज में अगर पढ़ेंगे आप तो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कहीं भी समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं हम व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि का जो नियम है वो नियम हम किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं आज हम, जो कल हमने पढ़ा था ता और दा का नियम, आज हम पढ़ने वाले हैं नियम आपके, तो कहोगे आपके आधा चा और छा का नियम। ठीक है, तो हम बात करेंगे आधा चा और छा के नियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। लेकिन इसमें हम कुछ स्थिति को देखते हैं पहले कि यहाँ पर कोई स्थिति है आपकी, किस प्रकार की स्थिति है। जैसे हम कहें यहाँ पर पहली स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं यदि छा से पहले कोई स्वर आ जाए, याद रखना महत्वपूर्ण चीज है, यदि छा से पहले कोई स्वर आ जाए तो आधा चा को जोड़ दिया जाता है। क्या कहोगे, आधा चा को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। अब कहोगे कैसी बात भाई सर जी, तो आधा चा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा लिख दिया वो भी सही है, यहाँ हलंत भी लगाकर किसी शब्द को हम आधा दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ नियम क्या है, हमने कहा यदि चा से पहले कोई क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, चा को जोड़ देंगे छा से पहले। तो चलो ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण की अगर बात करें तो एक उदाहरण हम आपको यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखा है परी प्लस छेद, तो इसका क्या बनेगा, हमने कहा था कि छा से पहले अगर कोई स्वर आ जाए तो हम छा से पहले किसे जोड़ देंगे, आधा चा जोड़ देंगे। अब कह रहे सर आपने कहा था छा से पहले कोई स्वर आ जाए, लेकिन स्वर तो है नहीं, आपको व्यंजन दिख रहा है रा, तो बड़ विच्छेद करना सीखो पहले तो, है ना। अगर कोई स्टूडेंट को अगर यहाँ दिख रहा है कि इसमें आपके छा से पहले अगर व्यंजन है तो उसे पहले बड़ विच्छेद करना सीखो, और बड़ विच्छेद करोगे तब आपको समझ आएगी कि छा से पहले रा नहीं है, आपकी स्वर है कौन सा स्वर, और छोटी ई, है ना। तो हमने कहा था छा से पहले क्या जोड़ दोगे, चा जोड़ दोगे, तो कहोगे बनेगा क्या, परिच्छेद। समझे बात को। इसी के बाद हम आपसे बात करें आगे तो कहोगे अनु प्लस छेद का बताओ, तो आपके मन में तुरंत एक शब्द आया होगा, कहोगे भाई साहब इसका बनेगा अनुच्छेद। ठीक है, तो हमने आपको बताया यदि छा से पहले कोई स्वर आ जाए तो आधा चा को जोड़ देते हैं, किससे पहले, छा से पहले आधे चा को जोड़ देते हैं, इतनी चीज याद रखोगे। ठीक है, हम ऐसे एक उदाहरण और भी दे दें आपको, एक दो उदाहरण, ईधन छा, तो क्या होगा, कहोगे इच्छा हो जाएगा, क्या होगा, इच्छा, क्या होगा, ईधन छा की अगर बात करें तो क्या कहोगे, इच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हम एक आपको, ये अभी आप क्या है, ये संधि विच्छेद है, आपने संधि कर दिया, यहीं अगर हम तुमको एक संधि दे दें तो उसका क्या करोगे आप, जब भी आपको संधि दी जाए तो उसका क्या करोगे, तो देखते हैं हम, जैसे एक शब्द लिखते हैं आच्छादित, आच्छादित। अब जैसे आपने कहीं कहीं नियम में पढ़ा होगा सर अगर छा से पहले कोई स्वर आ जाए तो हम चा को समाप्त कर देते हैं, तो उसका नियम क्या है, उसका नियम ये है, जैसे आपको यहां संधि दी गई है, ये संधि, अब हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद जब आप करोगे
तो क्या करना है आपको कि छा से पहले अगर कोई स्वर हो और बीच में अगर चा है तो आप क्या कर देंगे, उस चा को समाप्त कर देंगे, याद रखना। तो क्या बनेगा ये, ये बनेगा आपके आ प्लस छादित, क्या बनेगा आ प्लस छादित बनेगा। क्लियर है सारी चीज़ें? और हमने बताया था छा से पहले कोई स्वर आ जाए तो छा से पहले क्या कर दोगे आप, चा को जोड़ दोगे। क्लियर सारी चीज़ें? तो देखो जोड़ देते हैं, यहाँ पर हमने कहा आ और क्या कहोगे आच्छादित, ये बन गया क्या आपके आच्छादित बन गया, ऐसे नहीं लिखते आच्छादित, गलत हो गया आच्छादित। तो कहोगे ये बनेगा आपके आच्छादित। क्लियर सारी चीजें? तो जिस नियम के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, कौन से नियम के बारे में पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे चा और छा के पहला नियम, ये पहली स्थिति देख रहे थे, यदि छा से पहले क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो आधा चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अगले नियम के लिए। चलिए चलिए आधा चा और छा की हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। अभी तक हमने एक पहली स्थिति देखा, समझ में आई हुई चीज़ें, अब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं कि आधा चा और छा की दूसरी स्थिति क्या है। चलिए यहाँ समझते हैं, पहले हम दूसरी स्थिति को समझेंगे और दूसरी स्थिति में हम समझेंगे आपके क्या समझना है। ऐसे ता और दा के बाद, ऐसे लिखा है ता और दा के बाद सा आ जाए, क्या आ जाए सा आ जाए, समझो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आ जाए। हमने क्या बताया आपको कि ता और दा के बाद अगर क्या आ जाए सा आ जाए तो आपको क्या करना है, तो जो ता है आपके ये बदलेगा किस में, चा में, ध्यान रखना यहाँ भी अगर हलंत हो सकता है, तो ये आपके ता किस में बदलेगा, आप कहोगे ता तो बदल जाएगा आपके चा में, और ये जो आपके सा होगा ये किस में बदल जाएगा, तो कहो ये सा बदल जाएगा आपके छा में, याद रखना। ठीक, यहाँ पर हमने एक नियम देखा आपके, हमने कहा समझना ध्यान से, ता और दा के बाद अगर सा आ जाए, क्या आ जाए आ जाए सा आ जाए, तो ता को आप आधे चा में बदलेंगे और सा को किस में बदलेंगे, छा में बदलेंगे। ठीक है, अब सोच रहे होगे ये कौन सी बीमारी है, तो बीमारी नहीं है इलाज है, बीमारी होती तो लग जाती, इलाज है तभी तो कुछ चीज़ें सीख रहे हैं हम ना। चलिए अब उदाहरण पर बात करते हैं, किस बात करते हैं उदाहरण पे बात करते हैं, और इसके उदाहरण क्या हैं, और बहुत शानदार उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। जैसे लिखा है एक उदाहरण, लिखा है सत्य प्लस शास्त्र, क्या कहोगे सत्य प्लस शास्त्र, तो हमने कहा जब भी आपके ता के बाद अगर सा आ जाए तो ता को किसमें बदलोगे, कहेंगे ता को बदल देंगे चा में और सा को किसमें बदलेंगे छा में, तो ये क्या बनेगा आपके, तो कहोगे सच छात्र बनेगा, क्या बनेगा सच छात्र, सच छात्र छात्र। ठीक है, सच छात्र बन जाएगा आपके, थोड़ा कहने में दिक्कत हो रही कोई बात नहीं, लेकिन समझना है आपको कि आपने बताया देखा यहाँ पर चीज़ें कि ता के बाद अगर सा आ जाए तो ता किस में जाएगा चा में जाएगा और सा किस में जाएगा, कहोगे छा में जाएगा, और ये बन के तैयार क्या होगा सच छात्र। क्लियर सारी चीज़ें? नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं बहुत ही शानदार, तो लिखो एक उदाहरण है आपके सत प्लस शासन, सत प्लस शासन, और ये सत प्लस शासन के लिए आप क्या उदाहरण कहेंगे, ये बन के क्या बनेगा, कहोगे सच शासन, यही तो बनेगा महत्वपूर्ण है। एक लिखा है तत् प्लस शंकर, बताओ इसका, बताओ ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहोगे तत् प्लस शंकर, इसका जो बन के तैयार होगा तो क्या कहोगे, इसका बनेगा आपके तछंकर, क्या बनेगा तछंकर बन के तैयार हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये आपके चा और छा का नियम है। तो दूसरी स्थिति को भी हमने देख लिया और आप चीज़ों को सीखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने का प्रयास करते हैं हम। नियम अगला व्यंजन संधि के बहुत से नियम हैं, व्यंजन संधि के और भी नियम हैं, तो नियम की अगर बात करते हैं तो याद रखना, तो कहोगे अनुस्वर का नियम,
याद रखोगे? अनुस्वर का नियम। क्या कहता है अनुस्वर का नियम, बताएंगे आप लोग अनुस्वर का नियम क्या कहता है। तो हमारे हिसाब से अनुस्वर के नियम की अगर बात की जाए तो ये बड़ा सरल होता है। जहाँ भी आपको अनुस्वर दिखे वहाँ आपको परिवर्तन किस में करना है, माँ में परिवर्तन करना है। और माँ कैसा होगा? आधा होगा, उसके नीचे क्या लगाओगे? हलंत लगाओगे, है ना? समझ रहे बात को? जैसे लिखा है संसार का लिख दें हम, क्या लिख दें? संसार। और संसार का छंद संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहोगे आप होगा संधन सार। क्या होगा? समधन सार होगा। क्लियर सारी चीजें? और भी हैं, जैसे हम कहें संक्रांति का क्या होगा संधि विच्छेद, संक्रांति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका होगा समधन क्रांति। क्या होगा? समधन क्रांति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद और भी एक दो शब्द हैं, हम कहें संध्या जो लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहोगे संध्या का जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस ध्या होगा। इतनी सारी चीजें आप लोग याद रखना, बहुत सरल होते हैं ये। हम कहें संरक्षक लिखा है, क्या लिखा है? संरक्षक लिखा है। और संरक्षक का अगर पूछ लिया जाए तो कहोगे इसका होगा सम प्लस रक्षक। तो ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई शब्द हैं जिसे आप खोजेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपको मिलेंगी, तो आप बहुत सरल तरीके से इसे कर पाएंगे। सिर्फ आपको सिर्फ नियम का पता होना चाहिए कि जैसे जहां अनुस्वर लगा हुआ है तो अनुस्वर की जगह हम क्या करेंगे। तो हमने बताया है कि जहां भी अनुस्वर हो उसे आपको किसे बदलना है? माँ में बदलना है। खत्म है बात को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। क्या होता है अगला नियम? शानदार नियम होगा आपकी, ठीक है? अगले नियम की बात करें हम, तो नियम है आपकी किसका? सा का। क्या नियम है सा का? क्या स्थिति बनती है इसमें? तो सा से पहले, याद रखना, सा से पहले कोई स्वर आ जाए। क्या कहोगे? सा से पहले कोई स्वर आ जाए तो आप सा को, ये जो सा है इसको किसमें बदलोगे? ए सा में बदल दोगे, याद रखना, ठीक है? हमने कहा सा से पहले कोई स्वर आ जाए तो हमें क्या करना है? रा वाला सा है इसे हम पा वाले सा में बदल देंगे। बोले ठीक है सर, अब इसके उदाहरण बताओ एक दो। तो परेशान नहीं हो, उदाहरण ही आपको बताएंगे। जब तक उदाहरण नहीं बताएंगे जब तक आपको आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो पहले हम उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे लिखा है आपके अभी प्लस सेक, क्या लिखा है? अभी प्लस सेक लिखा हुआ है। तो हमने देखा, हमने कहा सा से पहले अगर आपके क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो क्या आपको सा से पहले कोई स्वर दिख रहा है? कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, छोटी दिख रहा है। जब आपके सा से पहले स्वर दिख रहा है तो ये सा का निर्माण किस में होगा? कहोगे ये सा में हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये आपके? तो कहोगे ये बनेगा आपके अभी प्लस सेक बनेगा, बन के तैयार हुआ। बताओ कहीं समस्या, दुख दर्द तकलीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग सीख गए कि सा से पहले कोई स्वर आ जाए तो उसे जैसे रा वाला सा होता है उसे हम पा वाले सा में बदल देते हैं। बोले बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। और शानदार है तो एक और है आपके, हम कहें सुधन सुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधन सुप्त हो जाएगा। तो इसका आप क्या बना के दिखाएंगे? कहोगे इसका बनेगा सुसुप्त। क्या बनेगा? सुसुप्त बनेगा। बिल्कुल सही बात है, समझ रहे बात को? अगर यहीं पर हम आपको एक, यहाँ पर हम आपको संधि विच्छेद करके दे रहे हैं, अगर यहीं पर हम संधि करके दे दें और कहें आपसे कि बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बता पाएंगे? बोले बिल्कुल बता दें। और बताते हैं तो फिर एक आपको एक शब्द बढ़िया से देते हैं हम, लिखा है विषम। आपको बनाना है कि विषम है और विषम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कहोगे सर विषम का संधि विच्छेद होगा आपके विधन सम हो जाएगा। क्या होगा? विधन सम। सा से पहले क्या आया? तो कहोगे सा से पहले छोटी ई आई, तो हम आपके र वाले सा को किसमें बदलेंगे? पा वाले सा में, और बन के तैयार होगा हमारा विषम। अब ऐसे कितने भी आपके शब्द सामने आ जाएं तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बना पाएंगे तो हमारे लिए, आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे हम कहें अनुसंगी लिखा है, क्या लिखा है? अनुसंगी।
तो अनुसंगी का संधि विच्छेद क्या होगा इसे आपको बताना है, और इसको बताओगे कहाँ पर, कहोगे कमेंट बॉक्स में हम लिख कर देंगे कि अनुसंगी का नियम, अनुसंगी का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपने दिया तो हम समझेंगे आप सीखे, और नहीं दिया तो हम क्या समझें, आप समझ सकते हैं कि हमें फिर क्या समझना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। नियम है आपके किसका, तो नियम को देखना है आपके, छोटा ना होगा एक आपके बड़ा ना होगा, इसका नियम है कि कब आपके छोटा ना और बड़े ना का प्रयोग होगा। तो याद रखना आपके, जब भी आपके माँ के साथ, माँ के साथ आपके ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए, क्या कहोगे, माँ के साथ क्या आ जाए, आपके ना आ जाए, तो आप याद रखना माँ आपके क्या बनेगा, छोटा नाम बदल जाएगा और ये आपके बड़े नाम में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आपके सीधी सी बात है, यहाँ छोड़ देना आप, यहाँ आपको देखना है कि माँ के साथ आपके ना आ जाए तो आपके माँ किस में बदलेगा, छोटा नाम में बदल जाएगा, और ना आपके किस में बदलेगा, किसी में नहीं बदलेगा। ऐसा मतलब थोड़ी है कि बदलेगा तो किसी में किसी में बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा, याद रखना कि ये आपके ना के ना रहेगा। ठीक, तो अब उदाहरण दो इसके, क्या उदाहरण होंगे, तो उदाहरण को समझते हैं हम। जैसे लिखा है, हमने कहा एक लिखा है सम प्लस निहित, लिखा है क्या, लिखा है सम प्लस निहित, तो इसका जो संधि होगा तो क्या कहोगे, इसका होगा सन्निहित हो जाएगा। बिल्कुल समझे मेरी बात को कि नहीं समझी, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो दोबारा समझने का प्रयास करो। एक हम आपको देते हैं ऐसे ही, सम प्लस कहोगे निवेश, तो इसका क्या बनाओगे, कहोगे इसका तो हम सन्निवेश बना देंगे, सन्निवेश ऐसे, क्या बनाएंगे, ऐसे बना देंगे सन्निवेश। बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस प्रकार से बना रहे तो बिल्कुल सही बात है, सन्निवेश बनाया। ऐसे ही हम आपको एक आपको देते हैं, एक इधर आपको हमने संधि दी, संधि कर दी आपने, इधर संधि विच्छेद था, हम इधर आपसे कहते हैं हम कि आप बनाओ किन्नर का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर किन्नर का क्या होगा, तो कहोगे ना को माँ बदलना है, तो कहोगे इसका बनेगा किम धन नर। अब बताओ कहाँ समस्या आ रही, अगर कोई समस्या हो तो बताओ, बोले कहीं समस्या नहीं है, लेकिन एक शब्द है जैसे लिखना है हमें सनन्यासी, ये सनन्यासी लिखा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो कहोगे इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस न्यासी। बोले बहुत बढ़िया, हमें सन्यासी का भी पता चल गया, सन्यासी नहीं होता है सनन्यासी होता है, सब ये बात याद रखना। ठीक है, तो हमने देखा कि छोटा ना और आपके एक पूरा ना का निर्माण किस प्रकार से होगा, कहोगे माँ के साथ जब भी आपके ना आ जाए तो माँ को हम छोटे ना में बदल देंगे और ना को सेम लिख देंगे, और आपके सामने ये उदाहरण दिए हैं, उदाहरण से बात बिल्कुल एकदम साफ हो गई होगी, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियमों के पास जाते हैं जो बहुत ही शानदार नियम हैं व्यंजन संधि के। और व्यंजन संधि के बहुत शानदार नियम को आप समझेंगे यहाँ पर, कि अणे को हमें बदलना है, अणे का परिवर्तन किसमें करना है, तो कहोगे अणे का परिवर्तन हम किसमें करते हैं, कहोगे हम तो ना में करते हैं अणे का परिवर्तन। बस याद रखना सिर्फ परिवर्तन करना है आपको, जैसे लिखा है परिणाम लिखा है, तो परिणाम का जो संधि विच्छेद होगा कहोगे होगा सर परि प्लस नाम हो जाएगा। हमने यहाँ सिखाया आपको कि अणे को किसमें बदलना है, ना में बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना। और भी कुछ नियम हैं आपके, जैसे हम कहें आपके लिखा है प्रणाम हो गया, इसके साथ एक साथ दो लिखते हैं, हम कहें भूषण लिख दें, भूषण लिख दें, तो भूषण का संधि विच्छेद क्या होगा, कहोगे भू प्लस, या भू कहोगे या आपके भू प्लस सन हो जाएगा, ये बताओ क्या यही होगा। आपको और भी उदाहरण देते हैं, हम कहें आपके कहोगे भूस प्लस ना हो जाएगा, या आपसे कहा जाए कि आपके कहोगे भूस प्लस अन हो जाएगा भूषण, जैसे भूषण लिखा है, भूषण का संधि विच्छेद सही क्या होगा, तीन ऑप्शन हैं, ये भू प्लस सन सही होगा, या भूस प्लस ना सही होगा,
या भूस प्लस अन सही होगा, तो इसका क्या सही होगा आपके संधि विच्छेद, ये आप लोगों को बताना है। तो सही संधि विच्छेद इसका क्या होगा, जो तीसरा वाला लिखा हुआ है इसमें ये सा है, सा में क्या हो जाएगा हलंत लग जाएगा और भूस प्लस क्या हो जाएगा अन हो जाएगा। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे जैसे हमने दिया था। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, भूस प्लस अन हो जाएगा। यही हम कहें आपसे कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपसे अगर पूछा जाए कृष्णा का संधि विच्छेद आपके, तो हम कहें क्रिस प्लस अन होगा क्या, या हम कहें आपके क्रिस प्लस ना होगा। तो दो ऑप्शन है आपके सामने, आप किस में लगाओगे। तो सोच रहे होगे हम तो सर ये लगाएंगे अन होगा, क्रिस प्लस अन, और जो आप सोच रहे वही तो गलत है। बोले सर आपने ऊपर बताई कि अन होगा और यहाँ बोल रही गलत है, तो वहाँ लॉजिक था कि वहाँ अन क्यों होगा और यहाँ ना ही क्यों होगा। तो याद रखो जैसे कि हमने ये शब्द देखा था पावाला सा, तो जब इसमें हम हलंत लगाएंगे तो इसमें से हम आ निकाल लेते हैं, याद है सारी चीज़ें, बड़ा विच्छेद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सा है ये तो पहले से ही हलंत लगा हुआ है आधा है, तो इसमें से हम आ कहाँ से निकाल लें, जब बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। अब तुमने उसकी लूट कर लो, उसकी पकड़ कर लो, अब पकड़ कर लिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। अब तुम कहो पैसा दे दो, तो कहाँ से पैसा दे दे, समझे बात को। तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा, क्रिस प्लस ना होगा। समझ में आई हो बात तो बता देना कि विष्णु का क्या होगा। तो आपके समझ में आ रही, कहोगे सर इसका बिस प्लस नू हो जाएगा। अगर ये बनाया है आप लोगों ने तो शानदार तरीके से एकदम सही है आपका, कहीं परेशान नहीं होना है ना। बाकी उदाहरण इतने हमने सामने दिए आपके, और बाकी के उदाहरण आपको कहाँ पर मिलेंगे, बुक में मिलेंगे, कहीं प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, लगाओ जाओ दौड़ के और सब सारे सही होंगे। अगर कोई अगर गलत हो जाए तो फिर हमसे बात करोगे सर आपने बताया था और गलत होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है आपसे। लास्ट एक नियम को और हम देखते हैं, इसके साथ व्यंजन संधि समाप्त हो जाती है, और व्यंजन संधि में आप जाओ कहीं भी क्रिकेट खेलो, व्यंजन संधि के साथ दबा के छक्का मारो, पता है। चलिए बड़ा सरल नियम है आपके, जहाँ भी आपको इस तो दिख जाए इसको आपको किसमें बदलना है तो याद रखना आपके इसमें बदल देना है। ये जो है इसका परिवर्तन हम किसमें करेंगे, तो कहोगे सर इसका परिवर्तन हम इसका इष्ट में कर देंगे परिवर्तन। ये जो आधा सा है ये रा वाला सा है, ये पा वाले सा में बदल जाएगा, और ये था है ये किसमें बदल जाएगा, ये ठा में बदल जाएगा। कहोगे ये कौन सी बीमारी है, तो अगर ये बीमारी है तो हम इसका इलाज भी बताएंगे आपको। जैसे आपको लिखा होगा युधि, एक संधि विच्छेद है आपके, कहोगे युधि प्लस स्थिर, क्या लिखा है युधि प्लस स्थिर, तो क्या बनेगा इसका, कहोगे इसका बनेगा युधिष्ठिर, क्या बनेगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बन जाएगा आपके, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले बिल्कुल बनेगा। तो जो चीज़ हम आपको बता रहे थे वही बने कि नहीं बने। इसके बाद हम कहें प्रति प्लस स्थित, और प्रति प्लस स्थित का जो आपके संधि बनेगा वो क्या बनेगा, कहोगे इसका बनेगा प्रतिष्ठित। और बताओ कहीं समस्या। इसके बाद एक दो नियम और लिखते हैं हम आपके, जैसे हम कहें एक हमने संधि विच्छेद करके दिया तो आपने संधि कर दिया, अब बताओ एक आप क्या दो संधि दो, तो लिखाना है आपको अनुष्ठान, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग बताएंगे इसको। अनुष्ठान का जो संधि विच्छेद होगा तो कहोगे होगा अनु प्लस स्थान। अगर अनु प्लस स्थान आपके मन में चल रहा हो, विचार आपके अगर ऐसे हों तो ध्यान रखना बिल्कुल सही है, कहीं कन्फ्यूजन में नहीं है आप लोग। तो इस प्रकार से हमने नियम देख लिए, हमने व्यंजन संधि के सारे, और इतने नियम पढ़ेंगे आपको व्यंजन संधि में कहीं समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद अगली क्लास होगी आपकी विसर्ग संधि की, और मिलते हैं शानदार तरीके से अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। चलिए।